लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये देखो असली हीरे, असली मोती, असली सोना, क्या लंबा हाथ मारा है। समझ लो इससे हम सब की तकदीरें खुल गई हैं। बेटो ऐश करो और अपने सरदार को दुआएं दो। सरदार की जय, सरदार की जय, जय सरदार की जय। अरे गोरा तेरा इंतजार था, देख तो सही कैसे कैसे नख जड़े हुए इसमें, देख तो सही। कसम भवानी की ऐसा भरपूर हाथ मारा है कि साल दो साल की छुट्टी। गोरा अपने मुबारक हाथों से इन सब का हिस्सा बांट दे। हिस्सा बटेगा राम सिंह, लेकिन गांव वालों में। गांव वालों में? अरे समझा करो यार, आज हमारा सरदार मजाक के मूड में है। नहीं, ये गांव वालों की अमानत है, मेहनत है उनका विश्वास से, और मैं इसे वापस लौटाने जा रहा हूँ। ठहर जा गोरा, ये आज तुझे क्या हो गया? ये बेकी बेकी बातें क्या कर रहा है? ये गांव वालों का माल है, उनकी मेहनत है, उनका विश्वास है उनमें बटेगा, ये बातें तेरे मुँह से अच्छी नहीं लगती। ये क्यों भूल गया है कि तू गोरा है जिसके फौलादी सीने से टकरा कर बंदूक की गोलियां लौट जाया करती थी? प्यार के धागे से कट गया। इसका मतलब यह हुआ कि लूटने वाला आज खुद लुट के आया है। इस लूटने में कितनी जिंदगियां हैं तुझे क्या मालूम राम सिंह? आज से हमारा रास्ता अलग है। नहीं, तू रास्ता नहीं बदल सकता। क्या मतलब? तुझे हम में रहकर जीना पड़ेगा। पर इन्होंने क्या नहीं किया तेरे लिए? तेरे इशारों पे चले हैं, कदम कदम पे मौत से खेले हैं, ये कुर्बानियां दी हैं, जिंदगी से खेले हैं, और फिर हमने तुझे इज्जत दी है, मान दिया है, तुझे अपना सरदार बनाया। कोई किसी को सरदार नहीं बनाता राम सिंह। सरदार खुद बन जाते हैं। तेरा वो दौर भी खत्म हुआ गोरा, तेरे दांत उखड़ चुके हैं, तेरे पंजे टूट चुके हैं, तू हमारा सरदार बनने के लायक ही नहीं रहा। रखे माल। राम सिंह, राम सिंह जिंदाबाद, राम सिंह जिंदाबाद। गोरा माल तो क्या, अब तू अपनी जिंदगी भी वापस नहीं लेकर जा सकता, चारों तरफ से घिर गया है, तू अकेला है। मेरे पास ताकत है, लोग हैं, हथियार हैं, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? मेरे पास सच्चाई है। अरे दुनिया भर का अंधेरा मिलकर भी एक नन्हे से दियो को नहीं बुझा सकता।
उस दिन तूने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तेरी जान बख्श रहा हूं। राम सिंह, राम सिंह, आज के बाद अगर तूने कृष्णापुर की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। ठाकुर, हाँ ठीक पहचाना, लेकिन आज मैं ठाकुर नहीं, तेरी मौत बनकर आया हूँ। गोरा गोरा नहीं, नहीं आज मैं गोरा गोरा नहीं रहा, इंसान बदल चुका है। अच्छा 900 चूहे खाके बिल्ली हट कर चलिए, रत्नाकर वाल्मीकि बन गया है या विश्वामित्र मेनका को लिए घूम रहा है? ठाकुर, रूपा कृष्णपुर की बेटी है और ये खजाना कृष्णपुर का है, और मैंने कसम खाई है कि रूपा और ये खजाना गांव वालों को वापस लौटाऊंगा। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं सच बोल रहा हूँ। गोरा, सच तो ये है कि मैंने पूरा 1 साल जेल में काटा है, तुझसे बदला लेने के लिए मैं 1 रात चैन से नहीं सोया। कैसा बदला ठाकुर, धोखा तो तूने मुझे दिया था, खूनी तुम हो, सजा भी तुम्हें ही मिली। सजा तो मैं पा चुका बच्चे, आज तो एक खतरनाक डाकू का खून करके सरकार से इनाम पाऊंगा और साथ ही साथ ये लाखों का खजाना भी। इसे कहते हैं 1 तीर से 2 शिकार। रूपा, अभी तो मैं सुहागन भी नहीं बन पाई शंकर, नहीं। मैं जा रही हूँ शंकर। रामजादे कुत्ते, तूने मेरी रूपा का खून कर दिया। ठाकुर साहब, ये गोलियां किसने चलाई? वो गोरा डाकू ने। गोरा डाकू? कहाँ है गोरा डाकू? ओह देखो, रूपा को भी मार के भाग गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर इस मासूम बच्ची को बचा नहीं सका। ये तो आप वक्त पर आ गए, वरना वो तो मुझे भी। जान तो बच गई है, लेकिन होश आने में कुछ देर लगेगी। थैंक यू डॉक्टर। ओके, जैसे उन्हें होश आ जाए पुलिस में बयान लिखवा दीजिए। फिलहाल ये रहा मेरा कार्ड। अच्छा, अगर मेरी जरूरत पड़े बुला लीजिए। ओके। मोहन, क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों नहीं हो? मोहन, रूपा दीदी और गीता को। हाँ हाँ, क्या हुआ उन दोनों को? उन दोनों को गोरा डाकू ने मार डाला। भगवान बेड़ा गरक करे उस गोरे का, पता नहीं उसके पाप का घड़ा कब भरेगा और कब तक हमें जुल्म सहने पड़ेंगे उसके।
इस जलती हुई चिता की कसम, जब तक तेरे कातिल के खून से अपने माथे पर तिलक नहीं लगाऊंगा, चैन से नहीं जीऊंगा। सरकार, गोरा की लाश किसी को नहीं मिली, शायद जानवर खा गए। क्या बकवास करते हो, इस गांव के इलाके में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इंसान की लाश को खा सके। तब फिर किसी चट्टान के नीचे दब गई होगी या घने झाड़ के अंदर फंस गई होगी। देखो रघु जी, जब तक हमें गोरा की मौत का यकीन नहीं हो जाता, तब तक हम कोई राज फाश नहीं कर सकते। लेकिन यकीन होने का रास्ता क्या है सरकार? मोहन जी, मोहन ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें गोरा की मौत के यकीन के साथ साथ लाखों रुपए का फायदा भी करा सकता है। में आग बरसा रहे हो सर, अपनी हालत तो देखो, सारा गांव तुम्हारी बातें कर रहा है। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, जब तक इन बोतलों की तरह गोरा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े न कर डालूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए कोई बेचैन है, इसका बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें? मुझे ख्याल है तो सिर्फ इस बात का कि जब तक गोरा नहीं मरेगा, तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और जब तक उसे शांति नहीं दिला देता, किसी भी चीज का ख्याल करना हराम है मुझ पर। तुम किसी का ख्याल मत करो, लेकिन किसी को अपना ख्याल तो रखने दो। तुम्हें कुछ हो गया तो गोरा से बदला लेने के लिए तुम्हें तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है। मोहन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं खुद सारे गांव में मिठाई बांटूंगी जिस दिन तुम गोरा से बदला लोगे। मोहन बाबू, मोहन बाबू जी नमस्ते। क्या बात है? आपको ठाकुर साहब ने जल्दी से बुलाया है। मोहन, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, हर आदमी की जबान पर तुम्हारी दीवानगी की चर्चे हैं। मेरी दीवानगी का एक ही इलाज है, गोरा। तुम क्या समझते हो, गोरा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा लो मोहन अपना बदला पूरा करो? जिन पहाड़ियों में पुलिस के सैकड़ों सिपाही उसे ढूंढ नहीं पाए, उन पहाड़ियों में तुम उसे ढूंढ लोगे? आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, एक ही आवाज, एक ही नाम मेरे दिमाग में गूंजता रहता है, गोरा गोरा गोरा। लेकिन बेटे, शेर को फांसने के लिए बकरी का चारा बांधना पड़ता है, शिकारी को फांसने के लिए जाल डालना पड़ता है, ऐसा जाल वो कौन सी चाल, वो कौन सी बात ऐसी हो सकती है जो गोरा को अपने बिल से बाहर निकलने पर मजबूर कर दे? तुम्हारी और राधा की अगर मैं शादी कर दूं तो? ना ना ना, ना। इससे काम नहीं चलेगा, गोरा का गिरोह टूट चुका है, पता नहीं अब तक वो अपने साथी जमा कर पाया है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गोरा के नाम पे कोई दूसरा डाका डाल जाए। That's it. वही एक तरीका है गोरा को अपने बिल से निकालने का। तुम्हारी और राधा की शादी? ना ना ना, डाका डालना, गोरा बन के डाका डालना, गोरा उस डाका डालने वाले को मारने जरूर आएगा। बात में दम तो नजर आता है, लेकिन बेटे डाका डालेगा कौन? मैं डालूंगा। क्या? मैं डालूंगा डाका, गोरा बन के डाका मैं डालूंगा। बधाई हो अकीम ताराचंद जी। अरे ताराचंद जी को एक बधाई नहीं, दो बधाइयां दो शर्मा जी। दो बधाइयां? हाँ, एक तो इनके यहाँ लड़का पैदा हुआ और फिर वो भी इस उम्र में। देखिए मैं क्या चीज हूँ, ये तो सब ऊपर वाले का ही चमत्कार है। ये चमत्कार तो ठीक है, लेकिन दूसरा चमत्कार कहाँ है? दूसरा चमत्कार? ओ समझा आपका मतलब। ए, 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 माल कहाँ रखा है? माल माल अलमारियों में, सिंदूकों में, अलमारियों में, ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, ले जाओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आओ आओ जल्दी आओ। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया, जब से तुम गए हो मैं तुम्हारी सलामती की दुआएं कर रहा था। सरकार! कौन है? सरकार! रघु रघु
रघु सरकार एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन बाबूजी से मिलना चाहता है। जी ऐसा करो ये कपड़े यहीं छोड़ दो और माल हाँ माल इसे मुझे दे दो तुम जाकर देखो इंस्पेक्टर क्या चाहता है। मोहन आप ही का नाम है? जी हाँ। चार घंटे से आपकी तलाश कर रहा हूँ, किसी ने बताया आप यहाँ मिलेंगे। कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आपको शहर के हॉस्पिटल चलना होगा। क्यों? पूछताछ के लिए। आप एक आदमी को जख्मी हालत में छोड़ के आए थे, उसे होश आ गया है, कुछ पूछना है। हाँ। फिक्र नहीं कीजिए, आप रात तक वापस लौट आएंगे। आइए मेरे साथ चलिए।